हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। और अभी जहाँ मैं मौजूद हूँ, मेरे एग्जैक्टली राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के एग्जैक्टली फ्रंट पे बहुत ही फेमस, आप देख सकते हो कि राधे श्याम पनीर छोले भटूरे वाले, जो पनीर के छोले भटूरे बेचते हैं, बहुत पुरानी और जिसे कहते हैं ना ऑलमोस्ट मोर देन 50 ईयर्स के राउंड अबाउट ये शॉप है। तो आज हम वहाँ के छोले भटूरे ट्राई करेंगे, उसकी मेकिंग प्रोसेस देखेंगे और देखेंगे क्या क्या उसका जायका है, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग, इनफैक्ट जो यहाँ पे मुसाफिर होते हैं वो यहाँ के छोले भटूरे ज़रूर खा के जाते हैं। वहाँ चलते हैं। फाइनली आप देख सकते हैं जो राधे श्याम सुभाष कुमार के जो स्पेशल छोले भटूरे हैं, उनकी दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बहुत मुश्किल से हमने इनको फोर्स करके टाइम निकालने के लिए कहा कि हमसे थोड़ी सी बात कर लें। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपना नाम बता दें। गणेश कुमार अग्रवाल। अच्छा गणेश कुमार जी, ये बताइए ये कौन सी जनरेशन है जो इस वक्त छोले? हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है, थर्ड जनरेशन चल रही है। अच्छा कौन से सन में ये स्टार्ट किया था और किसने किया था? 1959। तो शुरू से सिर्फ छोले भटूरे में ही आपकी वेस्ट है? छोले भटूरे। अच्छा आप और इसके अलावा भी छोले भटूरे एंड लस्सी? अच्छा छोले भटूरे लस्सी। यहाँ की खुलने और बंद होने की टाइमिंग बता दें। वो खुलने की है 8 मॉर्निंग। अच्छा और 5 PM शाम को 5 बजे बंद हो जाती है, सुबह 5 बजे खुल जाती है। हाँ जी 8 बजे। और किसी दिन बंद रहती है, छुट्टी ऑफ रहती है? छुट्टी ऑफ है, सिर्फ एक होली की छुट्टी, सिर्फ एक होली की छुट्टी है। दिवाली पे भी खुलती है? दिवाली पे भी खुलती है, सिर्फ एक होली की छुट्टी है। देखा मतलब कितनी डेडिकेशन है, मतलब इतनी सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हैं, तभी थर्ड जनरेशन तक यहाँ तक इस शॉप को लेकर आए। और जो भी नई दिल्ली पे मुसाफिर आते हैं, ट्रैवल करने आते हैं, वो इनके छोले भटूरे स्पेशल पनीर वाले छोले भटूरे जरूर खा के जाते हैं। तो हम भी सर इसकी मेकिंग प्रोसेस देख लेते हैं, फिर आपको टेस्ट करके रिव्यू बताएंगे इनकी लस्सी का और छोले भटूरे ये क्यों लोग दूर दूर से आते हैं खा के जाते हैं। हम इस वक्त किचन में मौजूद हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से जो यहाँ पर पनीर को फिल किया जाता है, पनीर की स्टफिंग होती है। ये यहाँ पर भटूरे तले जा रहे हैं, ये आप देख सकते हो। तो राधे श्याम सुभाष कुमार जितना बड़ा नाम है, उतने ही फेमस यहाँ के पनीर वाले छोले भटूरे हैं। इनफैक्ट तो मैं देखो बिल्कुल गर्मा गर्म हमें सर्व कर दिया गया और मैं इसकी स्टफिंग चेक कर लेते हैं। वैसे मैंने बनते हुए भी दिखाया था आपको, पनीर की स्टफिंग आपको दिख रही होगी और अच्छे खासे गर्म है। अच्छा छोलों के जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क है, शायद मसालों की वजह से इसके अंदर डार्कनेस बहुत है। और मैं अलॉन्ग विद दिस प्याज एंड चटनी, छोलों में खड़े मसालों का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। वैसे इनफैक्ट मुझे लगा था देखने से कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होंगे, स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है और स्पाइसी तो है नहीं, सॉफ्टनेस छोलों की बहुत अच्छी है, हार्ड नहीं है छोले बिल्कुल भी।
शायद इसी वजह से लोग यहाँ पर बहुत लाइन लगा के है, और जो भी ट्रैवल करते हैं स्पेशली नई दिल्ली से, वो यहाँ के छोले भटूरे ज़रूर खा के जाते हैं। इसके साथ हरी मिर्च देते हैं, गाजर का अचार भी देते हैं जिसको जो पसंद हो। गुड वन। अच्छा, इसके साथ ये बहुत ही स्पेशल लस्सी ज़रूर बेचते हैं, इसका कॉम्बिनेशन है, और ये कहते हैं कि हमारी लस्सी बहुत ही स्पेशल है। एक होता है कि ठीक है यार, आपने कुछ ठंडे में रखना है कोल्ड ड्रिंक के साथ, वो एक डिफरेंट थिंग होती है, बट इनकी स्पेशल लस्सी है, मलाई थिक, बहुत थिक मलाई की इसके ऊपर लेयर है। कुल्हड़ के टेस्ट की वजह से लस्सी का मज़ा और भी ज़्यादा दुगना हो गया। बहुत हल्का मीठा, सूदिंग है। मतलब जब ये थोड़े से आप मसालेदार छोले भटूरे खाएंगे, उसके बाद ये लस्सी ऐसा समा बांध देती है। तो मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करूँगा, जब भी नई दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हो, एक बार यहाँ छोले भटूरे ज़रूर खाएं। सो नाउ लेट मी एंजॉय एंड हैव दिस छोले भटूरे। आप लोग यहाँ ज़रूर आना और खा के बताना कैसा लगा आपको राधे श्याम के छोले भटूरे का खाना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।